कश्मीर में जारी आतंकवाद पर करतुबा मूवीज के बैनर तले निर्माता के रवि ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस फिल्म की कामयाबी के लिए रविवार को फिल्म के सभी कलाकार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर बप्पा गणपति मोरिया का दर्शन किया और फिल्म की कामयाबी के लिए आशीर्वाद लिया। पेश है एक खास रिपोर्ट। खुशी का दिन है, उमंगों का दिन है, लेकिन दुख का दिन इसलिए है क्योंकि हमारे सारे विश्व में आतंकों का साया छाया हुआ है। हमने एक प्रयास किया है आखिर के उस फिल्म के नाम के माध्यम से, हमारे देश के अंदर के जो युवा बच्चे हैं वो आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय कुछ बच्चे थोड़ा सा भटक चुके हैं जिसमें कश्मीर के बच्चों का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने ये कोशिश की कि ये बच्चे जिहादी कैसे बनते, ये ना बने। बच्चे बने तो आईपीएस बने, आईएएस बने, एक्टर बने, पत्रकार बने, लेखक बने, साहित्यिक बने, नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छे अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर बने। ये हमारी उस ढंग की कोशिश है कि हमारे देश के जो युवा बच्चे हैं जिहाद का विषय छोड़ दे, जिहाद को दूर रखे और सारे विश्व में शांति और अमन पैदा। सर, ये जो करेंसी अभी बदल दी गई है, बताया जाता है भ्रष्टाचार मिटेगा, इससे आतंकवाद रुक जाएगा, क्या कहना है आपका, क्या ओपिनियन है? देखो, अब उतना ऊंचा लेवल के ऊपर हम तो सोच नहीं सकते इस वक्त, लेकिन जो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं उन्होंने काफी सोच समझ के कदम उठाया होगा। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ हम सबको आज जरूर हो रही, हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ा विजन भी रखा होगा इस करेंसी को लेके कि देश के अंदर ब्लैक मनी है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको किस तरीके से खत्म किया जाए उनका एक पहला पहल ये होगा कि भाई इस ढंग से अगर हम करें तो देश के अंदर जिस तरीके का ब्लैक मनी होता है, ब्लैक बेलर लोग होते हैं, वो खत्म हो जाए। सर, कई लोग परेशान हुए विषय पर, इंसानियत के नाते ये सब हम सबका विषय है कि जिनका देहांत हो चुका है इस विषय को लेके, जिनके पास आज लाइन में खड़े रह के 5-5, 6-6 घंटे 200-2000 रुपया कमाने के लिए, मिलाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, बेचारे परेशान वश होकर वो देहांत हो गया, उनके लिए हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आखिर जो रास्ता होता है वो हमारे देश का मैसेंजर जो होता है प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से सारे देश को एक मैसेज देते कि भाई इस ढंग से आप करो, और जो भी रूमर होता है, इस तरीके का काफी रूमर आया है, उस रूमर को ज्यादा ध्यान में मत रखो। आज इसका मुहूर्त है, आप सबके आशीर्वाद से, सिद्धिविनायक जी के आशीर्वाद से ये बेहतरीन बन चुकी है। और सारे एक्टर लोग नए हैं इसमें, राहुल को तो आप कई दिनों से देख रहे हैं, फिर भी काफी एक्टर लोग इसमें, खास करके रोमित कौर, इनको हमने आपके सामने पेश किया है। अब आगे मालूम नहीं क्या, लेकिन हम फिल्में बनाते रहेंगे और देश के अंदर एक सोशल मैसेज देते रहेंगे। आज हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए ये लाइफ का मेरा बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत पहला फर्स्ट इवेंट है कि मैंने आज इस फील्ड में पैर रखा है, और बस गणपति पापा से यही प्रेयर करेंगे कि हमारी पिक्चर को खूब तरक्की। राहुल जी, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त है और सिद्धिविनायक के चरणों में आप आए हैं, इसके लिए क्या कामना की है बाबा? मुझे तो सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि जिस तरह हमें दर्शन मिला है वो कभी मिल नहीं पा सकता था, लेकिन रवि जी के वजह से मिल पाया है। और मेरे को एक्ट्रेस है रवमित जी है, काफ़ी सपोर्ट किया एक्टिंग के वक्त, मेरे डायरेक्टर जी है, प्रोड्यूसर जी है, मतलब सब लोग ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। मेरा कैरेक्टर का नाम है हैदर, एक्चुअली ये जो जियाद के ऊपर सब चल रहा है इसी के ऊपर पूरी हमारी कहानी है। अब आगे आप फिल्म देखिए फिर आपको पता चलेगा। कल हम लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सोशल साइट जितनी भी है हम उस पर कल लॉन्च कर रहे हैं, कल आपको लिंक आ जाएगी। ओके, तो काफ़ी कैरेक्टर है, मतलब काफ़ी अलग अलग ड्रेसेस की है उसमें मैंने, तो आपको अलग अलग रूप में मैं नजर आऊंगा। हुआ ले ले यार, यहाँ कहाँ ले चले, चला सलाहकार हूँ। और के रवि साहब, प्रवनीत जी और राहुल जी और उनके अन्य एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस, इन सब ने बड़ी मेहनत करी है। छोटे से एक लाइन में मैं बोलूँगा, कश्मीर का जो पहला रूप था वो फिर से हम लाना हमारे दिल की ख्वाहिश है।